मुझे पर्पल वेबसाइट की तरफ से दो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे जून मंथ का पर्पल हॉल वीडियो। मैंने इस मंथ पर्पल वेबसाइट से जो भी चीज़ें खरीदे हैं, स्किन केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और प्राइसेस में स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। पहला जो प्रोडक्ट है वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। ये है एल्फ्स गुडनेस नीम पाउडर और इसका मैंने छोटा पैकेट खरीदा था पहले भी, और ये वाला एक बड़ा पैकेट है। ये है 250 ग्राम्स का प्रोडक्ट, जिसका जो प्राइस है वो है 104 रुपीज़ में मैंने खरीदा है इसे। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस था, आप पर्पल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में आपको एल्फ्स गुडनेस के सारे पाउडर्स मिल जाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा है और ये नीम पाउडर के ऊपर मेरी डिटेल रिव्यू वीडियो है, आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट है एंड वो है गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसका फुल डिटेल रिव्यू करने के लिए, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज किया है। और काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रहा था तो इसीलिए, और मैंने भी देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को ये टोनर इस्तेमाल करने पर, तो मुझे लगा कि शायद मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो आप लोगों को एक एक्चुअल रिव्यू नहीं पता चलता। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा इसे परचेज करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जो भी मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट भी एक स्किन केयर प्रोडक्ट है और ये भी गुड वाइब्स की तरफ से है। ये गुड वाइब्स एलोवेरा इंटीमेट हाइजीन वॉश। तो मैं क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट हाइजीन वॉश को इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुझे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि गुड वाइब्स के जितने भी इंटीमेट स्किन केयर रेंज है उसके ऊपर मैं डिटेल रिव्यू वीडियो करूँ, सो दैट्स वाई मैंने पहले से परचेज किया है। ये है 100 ml का बॉटल जिसका प्राइस है 195 रुपीज़, लेकिन मैंने इसे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा है और मैं इसे इस्तेमाल करूँगी और फिर आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट डिटेल रिव्यू शेयर करूँगी। नेक्स्ट कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किया है, तो उसमें से ये है NYBay का कंसीलर। मैं सोच रही हूँ NYBay वन ब्रांड ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दैट्स वाई मेरे पास NYBay का कंसीलर स्टिक है। तो वो कंसीलर स्टिक उतना बहुत ही क्रीमी है और लिक्विडी नहीं है, सो मुझे लगा ये जो लिक्विड कंसीलर है इसको परचेस करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ डिटेल रिव्यू शेयर करती हूँ। तो इसके ऊपर डिटेल रिव्यू बहुत ही जल्द आएगा। इसका जो मेरा शेड है वो है 2, तो मैंने इसे परचेस किया है और मुझे लगता है कि ये मेरे थोड़ा सा मुझे लाइटर और भी लाइटर टोन अगर मैं लेती तो थोड़ा सा ब्राइट दिखता। ओवरऑल पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग ही मुझे अच्छा लगा है। वैसे तो इस वीडियो में मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इस कंसीलर के ऊपर बहुत कुछ कहना है मुझे, तो रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, सो आप लोग उसे ज़रूर चेक करना। सो फ्रेंड्स, पर्पल से मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, सो उनमें से जो पहला प्रोडक्ट है वो दोनों ही प्रोडक्ट NYBay के तरफ से ही है। सो पहला प्रोडक्ट है ये NYBay का क्रीमी मैट लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो बहुत ही सुंदर ब्राइट एक ऑरेंज शेड है और बहुत ही क्रीमी है। ये लिपस्टिक्स बहुत ही क्रीमी है लेकिन मैट बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं इसको अपने कोई वीडियो में इसे वेयर करूँगी और उसके बाद आप लोग देख पाएंगे इसका शेड और मैं छोटा सा एक रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे सेंड किया है पर्पल ने वो है NYBay का BB क्रीम विद SPF 20। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स है, शायद 6 या 7 शेड्स है और मेरे पास जो शेड है वो है 1। सो मुझे लगता है ये परफेक्टली एकदम मैच है मेरे स्किन टोन से। सो मैंने इसे इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर रिव्यू भी मैंने शूट कर लिया है, सो मैं जब अपलोड करूँगी आप लोग देख पाएंगे। डेफिनेटली ये बीबी क्रीम मुझे अच्छा लगा है, सो आप लोग चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये था मेरा पर्पल हॉल वीडियो। अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करते वक्त जो छोटा सा बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय बाय।